यहाँ पे ले रही हूँ लॉरियल पेरिस का मॉइस्चराइजर, और इसे मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी और फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि ये जो मॉइस्चराइजर है ये हमारे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्व हो जाए। जब ये एब्जॉर्व हो जाएगा तो हमारा मेकअप जो है वो काफ़ी फ्लॉलेस दिखेगा। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ नायका का प्रेप मी अप प्राइमर, इसे मैं डॉट डॉट करके अपने ओपन पोर्स वाले एरिया पे लगा लूँगी, जहाँ पे हमें ओपन पोर्स होते हैं, स्वेटिंग होती है, तो ये हमारे पोर्स को जो है वो बंद कर देगा और हमारा फाउंडेशन हमारी स्किन को क्रैक नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ नायका का स्किन शील्ड फाउंडेशन, और इसे मैं थोड़ा सा अपने बैक हैंड पे लेके पैक के ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरे फेस पे डैबिंग मोशन में अप्लाई कर लूँगी। ऑल ओवर फेस डैबिंग मोशन में अप्लाई करके मैं उसी पैक के ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, ताकि ये अच्छे से स्किन में एब्जॉर्व हो जाए और काफ़ी नेचुरल लुकिंग दिखे, क्योंकि जितना ही ज़्यादा हम अच्छे से ब्लेंड करते हैं हमारा मेकअप उतना ज़्यादा फ्लॉलेस दिखता है और काफ़ी नेचुरल और ग्लोई हेल्दी काइंड ऑफ लगता है। तो ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि आप अच्छे से ब्लेंड करें, आपका फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए, कहीं पर क्रीज नहीं दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से हम ब्लेंड करते जाएंगे डैबिंग मोशन में, सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करना है, डैब करना है और अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। जब हमारा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबलिन का फिट मी लूज पाउडर इन द शेड लाइट मीडियम, और मैं इसे सेम पैक के ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को सेट कर लूँगी, ताकि हमारे फेस पे स्वेटिंग ना आए और मेकअप काफ़ी पैची ना दिखे। तो मैं पूरे फेस को सेट कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा लेके मैं पूरे फेस को अच्छी तरीके से सेट कर लूँगी डैबिंग मोशन में, सेम डैबिंग मोशन में पैक के ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से मैं इसे कर लूँगी। इसके बाद मैं ले रही हूँ फिजिशियन फार्मूला का ब्रॉन्जर इन द शेड डीप ब्रॉन्जर, और मैं इसे एक एंगल ब्रश की हेल्प से लेके अपने हॉलोज ऑफ द चीक्स, ब्रिज बोन, टिप ऑफ द नोज, फोरहेड, जॉ लाइन पूरे पे अप्लाई कर दूंगी एंगल ब्रश से, और सेम अप्लाई करने के बाद मैं ब्लेंड करते हुए चलूंगी। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना अगर हम अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो ये काफ़ी हार्श लाइन जैसा दिखेगा, जो बहुत ही बुरा लगता है। हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे और ब्लेंड कर देंगे। मैं एंगल ब्रश की हेल्प से अपनी नोज़ को कॉन्ट्रोल कर रही हूँ, ताकि हमारी नोज़ जो है वो काफ़ी शार्प दिखे। तो अब मैं इसे इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे और काफ़ी स्मूथ दिखे। तो इस तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे, पूरा सेम ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे। देन मैं ले रही हूँ यहाँ पे NYX की लिपी चीक, इसे मैं अपने चीक्स पे अप्लाई कर दूंगी और ब्लेंड कर दूंगी फिंगर्स की हेल्प से। ब्यूटी ब्लेंडर से भी हम हेल्प कर ले सकते हैं और ब्यूटी ब्लेंडर से भी हम अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ बैक का सेम ब्यूटी ब्लेंडर और इससे मैं ब्लेंड कर दूंगी। लिप टिंट जो है वो काफ़ी नेचुरल दिखता है और स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, सो दैट्स वाई सो हम यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा नोज़ पे भी लगाऊंगी, क्योंकि नोज़ पे लगाने से काफ़ी नेचुरल दिखता है और सेम सेम लगता है, कुछ अलग नहीं लगता। इस तरह से हम डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर देंगे अपने ब्लश को, कुछ इस तरह से नोज़ पे भी ब्लश कर देंगे और हम चीक्स पे भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे, और इस तरह से हम ब्लेंड कर देंगे। यहाँ पे ये ब्लेंड हो चुका है, नोज़ का भी ब्लेंड हो चुका है, बस हम इसे अच्छी तरीके से डैब कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन द शेड मोल्टन गोल्ड, इसे मैं एक फ़ैन ब्रश की हेल्प से अपने हाइलाइटिंग एरियाज पे लगाऊंगी। तो मैं अभी अपने चीक बोन्स पे लगा रही हूँ कुछ इस तरह से, बहुत लाइट हैंड से लगाना है और इसे भी ब्लेंड कर देना है, वरना ये भी काफ़ी हार्श लाइन जैसा दिखेगा और काफ़ी पैची लगेगा। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है गाइज, मस्ट ट्राई। नोज़ पे भी मैं लगा रही हूँ ताकि हमारे जो हाइलाइटिंग एरिया है वो काफ़ी उभर के आए। फोरहेड पे इस तरह से लगा लेंगे, ब्रिज ऑफ द नोज़, चिन अच्छे से हम लगा लेंगे। फिर मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक स्पूली, जिसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रो को कोम कर लूँगी, ताकि जितने भी उसमें एंगल्स बने हुए हैं वो रिमूव हो जाएँ। मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिस क्लेयर का आईब्रो पोमेट, और इससे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी अपनी आईब्रोज़ पे। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं उससे उसी ब्रश से सेम फिल कर लूँगी अपनी आईब्रोज़ को, बहुत नेचुरली फिल करना है ताकि काफ़ी फेक ना लगे। इस तरह से मैं सेम करूँगी, दूसरे आईब्रो पे भी मैं लाइन ड्रॉ करूँगी
और फिर उसे सेम ब्रश की हेल्प से मैं फिल कर दूंगी। कुछ इस तरह से हमें फिल करना है और बाद में फिर से हम एक बार कोम्ब कर लेंगे। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे नायका का डबल चॉकलेट चिप आई शेडो पैलेट। इससे मैं एक ऑरेंज शेड लेके अपनी क्रीज लाइन पे लगाऊंगी। ये हमारा ट्रांजिशन शेड हो जाएगा और लगा के हम हल्के हाथों से ब्लेंड कर देंगे। या कुछ इस तरह से हम सेम दूसरी आई पे भी लगाएंगे क्रीज लाइन और अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अब मैं यहाँ पे एक शिमरी शेड ले रही हूँ और मैं इसे फिंगर्स की हेल्प से लेके अपने आईलिड एरिया पे लगा लूँगी। मैं अपनी पूरी आईलिड पे लगा लूँगी कुछ इस तरह से, और सेम हम दूसरी आईलिड पे भी लगा लेंगे। तो इस तरह से हम लगा के सेम दूसरे ब्रश से सब कुछ ब्लेंड कर लेंगे ताकि वो अजीब ना लिखे। अब मैं ले रही हूँ मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर और इसे मैं अपने आईज़ के इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी और ब्रॉबोन को हाईलाइट करूँगी ताकि काफ़ी पॉप करे। लाइक दिस हम पूरे पे लगा लेंगे। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे नायका का आई एम बोल्ड काजल और इसे मैं एज ए आईलाइनर लगाऊंगी, क्योंकि ये काजल और आईलाइनर दोनों के तौर पे बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इस तरह से मैं विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी और अपनी लोअर लैश लाइन को टाइट लाइन करूँगी काजल से। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा और इसे मैं अपनी लैशेस पे लगा लूँगी, लोअर लैशेस पे भी लगा लूँगी ताकि हमारी लैशेस काफ़ी डिफाइन दिखें। फिर मैं ले रही हूँ यहाँ पे मेबलिन का फिट मी लूज पाउडर इन द शेड लाइट मीडियम और मैं इसे अपने जो चीक्स के एरिया है उसे अच्छे से सेट कर रही हूँ ताकि वो काफ़ी डिफाइन और शार्प दिखे। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे NYX की लिपस्टिक और इससे मैं आउटलाइन करूँगी पूरे लिप्स को ताकि लिप्स भी काफ़ी शार्प और डिफाइन दिखें। अब मैं ले रही हूँ नायका की लिपस्टिक इन द शेड मद्रास कापी और मैंने अपनी पूरे लिप्स पे अप्लाई कर लिया है। सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। वीडियो अगर अच्छी लगे गाइस तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा।